नेताओं अफसरों की जासूसी करवाने के मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती है। गृह मंत्रालय ने बुधवार को केजरीवाल सरकार की फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी कराने के आरोपों पर सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। भाजपा ने सिसोदिया पर आरोप लगाया था कि उन्होंने दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट के जरिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विपक्षी दलों और विभिन्न संस्थाओं और लोगों की जासूसी करवाई। आम आदमी पार्टी ने साल 2015 में दिल्ली में सरकार बनाने के बाद इस यूनिट का गठन किया था। विजिलेंस विभाग के मंत्री होने के नाते सिसोदिया पर यह आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना केंद्र सरकार से इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा कर चुके हैं। इसके बाद सीबीआई ने मुकदमा दर्ज करने की अनुमति केंद्र सरकार से मांगी थी। वही गृह मंत्रालय की ओर से 17 फरवरी की तारीख से जारी चिट्ठी में सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दी गई है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी इस मामले में केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली की फीडबैक यूनिट जासूसी कर रही है, आप छिप कर बातें सुनते रहे, वहीं आपके नेता दिल्ली के लिए काम नहीं कर रहे बल्कि दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसों का इस्तेमाल अवैध तरीके से जासूसी करवाने में करते हैं। वहीं भाजपा ने बुधवार को आईटीओ से सचिवालय तक विरोध मार्च भी निकाला था। मुझे सीबीआई की तरफ से कल नोटिस मिला था कि आज वो मुझे एक्साइज पॉलिसी की पूछताछ के लिए बुलाना चाहते हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि दिल्ली का फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते इस वक्त एक एक दिन क्रूशियल है और मैं दिल्ली के बजट को फाइनलाइज करने में जुटा हुआ हूँ। 24 घंटे लगा के मैं इस कोशिश में हूँ कि फरवरी के अंत तक दिल्ली का बजट तैयार करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद ही दिल्ली विधानसभा में बजट पेश होता है, आप सब जानते हैं। तो फरवरी का लास्ट वीक होने के नाते इस वक्त मेरा एक एक दिन बहुत क्रूशियल है बजट की तैयारियों के लिए, क्योंकि बजट की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि एक बार मैं बजट फाइनल कर लूँ और फरवरी के एंड तक ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद फरवरी के लास्ट में या फरवरी के लास्ट के बाद में वो जब भी कोई तारीख तय करेंगे, मैं निश्चित रूप से एक्साइज पॉलिसी को लेके उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देना चाहूँगा, इस पूरे मामले को और भी क्लियर करना चाहूँगा। और मुझे खुशी होगी, मैंने हमेशा जांच में सहयोग किया है, आगे भी पूरा सहयोग रखूँगा। लेकिन इस समय क्रूशियल टाइम है दिल्ली के बजट के लिए। अगर एक एक दिन इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर इसमें कुछ डिस्टर्ब होता है तो दिल्ली के बजट के लिए तैयार करने में दिक्कत हो सकती है, उसको फाइनलाइज करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इसके बाद फरवरी के एंड के बाद में वो कभी भी मुझे बुलाएंगे तो मुझे खुशी होगी और उनके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। न्यूज़ डेस्क, आरएन न्यूज़।